प्यारे बच्चों, मैं आनंद मोहनसर एसएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल समतपुरा बहरी दरभंगा से कक्षा एक के छात्रों को हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग अपना अपना किताब खोलिए और पाठ दो निकालिए। पहले पाठ में हम लोगों ने स्वर व्यंजन के बारे में पढ़ाई किया था। स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, आप लोगों को मैंने समझा दिया था। दूसरे पाठ में स्वरों की मात्राएं, इसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। आप लोगों को पहले से ही पता है ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ री ए आई ओ औ इतने स्वर हैं। इसके अतिरिक्त अंग अ, इसे अयोगवाह कहा जाता है, अर्थात इसका प्रयोग कभी कभी हम लोग स्वर के रूप में भी करते हैं और कभी कभी इसका प्रयोग व्यंजन के रूप में भी होता है। अब देखिए ओ क ख से लेकर के य र ल व तालव्य स मूर्धन स दंत स अ, सब जितने भी व्यंजन हैं सब में अ लगा हुआ है, इसलिए इसके लिए अलग से कोई मात्रा नहीं है। आ से लेकर औ तक जो मात्राएं हैं मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, आप लोग देख लीजिए। अंग अ, जिसे कि हम अयोगवाह कहते हैं, उसे भी मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, आप लोग देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर मैं इससे संबंधित जितने भी शब्द दिए गए हैं उसका उच्चारण हम लोग कैसे करेंगे, सही सही कैसे पढ़ेंगे, मैं पढ़ता हूँ, आप लोग देखिए और उसी तरह आप लोगों को भी पढ़ाई करना है। आ देख लीजिए आकार किस तरह लिखा जाता है, माला लाला जाला मसाल। यहां जितने भी शब्द दिए गए हैं सब में लाल अक्षर जो है वह आकार की मात्रा दर्शा रहा है। इसी तरह आगे देखिए राम गमला राधा पाठशाला अखबार दयावान। नीचे तक देख लीजिए जितने भी शब्द हैं सब में जो छायांकित स्पेस है सब कुछ आकार मात्रा दर्शा रहा है। अब चलिए आ के बाद हर्षई, हर्षई देख लीजिए किस तरह लिखा जाता है बोर्ड पर। फिर आगे देखिए इसे रिलेटेड जितने भी शब्द हैं मैं बोल रहा हूं, आप लोग देखिए और समझिए। दिन दोहर्षी का, चिड़िया चौहर्षी का बड़ी रोहर्षी का, सितार दंत सौ हर्षी का, टिम टिम दो जगह टॉप में हर्षी कार का प्रयोग किया गया है, गिलास गोहर्षी का, रिम झिम रोहर्षी का, अझ हर्षी का। आगे देखिए रवि उठ, दिन निकल आया, बाजार जाकर मिठाई ला, तकिया उठाकर उधर रख, पत्र पर सरिता का पता लिख। या रवि से लेकर लिख तक देख रहे हैं जो छायांकित हर्षई कार्ड दिखाया गया है, क्यों दिया गया है, इसे आप लोग अच्छी तरह समझ लें और याद कर लें। अब चलिए हर्षई के बाद दीर्घई, बोर्ड पर देखिए दीर्घई हम लोग कैसे लिखेंगे। अब आगे चलिए हम लोग इन शब्दों पर विचार करें, इमली लौदीर्घी का, समीर मौदीर्घी का, लकीर कौदीर्घी का, लचीली चौदीर्घी का एवं लौदीर्घी का। अब देखिए इसे संबंधित कुछ वाक्य दिए गए हैं, मैं पढ़ता हूँ, आप लोग भी पढ़ना सीखिए। आसमान पर बदली छाई, मीरा आई मीरा आई, गीता भी इठलाती आई, ककड़ी खीरा इमली लाई।
यहाँ पर मैं जितने भी छायांकित शब्द हैं सब में देखिए दीर्घ ई लगा हुआ है, आप लोग इसे अच्छी तरह याद कर। चलिए दीर्घ ई के बाद हर्षऊ, हर्षऊ कैसे लिखेंगे देख लीजिए। मुन मुन, बुल बुल, मोहर्षुकार मोहर्षुकार, दो जगह मुन मुन में हर्षऊ शब्द का प्रयोग है। बुल बुल, बोहर्षुकार बोहर्षुकार, बुलबुल में भी दो जगह हर्षऊ का प्रयोग है। सुबह देखिए दंत सौ हर्षुकार, धनुष ध नौ हर्षुकार, इसी तरह देखिए गुप चुप गौहर्षुकार चौहर्षुकार। जहां जहां देख रहे हैं कि छायांकित हर्षऊ दिया गया है उसे आप लोग स्मरण रखिए, दिमाग में सेट कर लीजिए जिससे कि आप लोगों को दिक्कत न हो। हर्षऊ के बाद देखिए दीर्घऊ, दीर्घऊ कैसे लिखा जाता है थोड़ा आप लोग बोर्ड पर देख लें। दीर्घऊ से संबंधित मैं कुछ शब्द बोल रहा हूं आप लोग ध्यान देंगे, जैसे आलू, डेली आप लोग सब्जी में आलू का प्रयोग करते हैं खाते भी हैं, आलू लो दीर्घ का। दूध वाला, दूध से सभी बच्चे परिचित हैं, दूध में दो दीर्घ का। राजपूत पौ दीर्घ का, यहाँ जितने भी शब्द हैं उसमें छायांकित जहाँ जहाँ है वे सारे के सारे दीर्घऊ हैं, आप लोग इसे ध्यान दें और स्मरण रखें। अब चलिए दीर्घऊ के बाद री, रीकार कैसे लिखा जाता है आप लोग बोर्ड पर देखें और स्मरण रखें। शब्द देखिए तृतीय तौरिका, सृजन सौरिका, अमृत मौरिका। इससे संबंधित कुछ वाक्य में बोल रहा हूं उसमें भी विचार करना है। एक था ऋषि, री स्पष्ट है। एक था मृग मौरिकार, एक था नृप नृप मीन्स राजा नौरिकार, ऋषि मृग पर कृपा करता, नृप मृग पर दया करता, मृग बस कृतज्ञ बना रहता। तो किस तरह रिकार्ड लिखा जाता है इसे आप लोग बोर्ड पर देखकर स्मरण रखें और अच्छी तरह समझ लें। अब चलिए बाबू एकार, एकार को हम लोग कैसे लिखेंगे बोर्ड पर ध्यान दीजिए और देखिए। अब इन शब्दों पर विचार कीजिए, चमेली, चमेली नाम सुना है, फूल का नाम है मोए का। करेला रोए का सब्जी है, परदेश दोए का, सेहरा दंत सोए का, चचे दे चौए का रोए का। अब मैं इन शब्दों को देखो बच्चों, अब यहां कुछ वाक्य दिए गए हैं मैं बोल रहा हूं आप लोग भी ध्यान दीजिए। नदी किनारे लगा था मेला, नेताजी ने खाया केला, केशव ने खाए थे बेर, वन के बीच खड़ा था शेर। इन वाक्यों में जहां जहां छायांकित एकार शब्द दिया गया है उसे देखिए और स्मरण रखिए कि किस तरह इसका प्रयोग आप लोगों को करना है। चलिए अब एकार के बाद हम लोग इकार पर आते हैं। बैजनाथ ऐका बो ऐका, पैर बो ऐका, सैर दंत सो ऐका, बैलगाड़ी बो ऐकार, मैदान मो ऐकार। तो ऐकार का प्रयोग कैसे करेंगे, मात्रा बोर्ड पर में भी मैंने दर्शा दिया है, आप लोग किताब में भी देख रहे हैं। इससे संबंधित वाक्य इस तरह है, बैजनाथ का भैया आया, सैनिक उसका थैला लाया, वैभव करता राम राम, उसका है यह दैनिक काम। प्यारे बच्चों ऐकार का प्रयोग किस तरह करेंगे, इन वाक्यों में आप देख रहे हैं जितने भी छायांकित
अहिकार शब्द है उसे अच्छी तरह देखिए और स्मरण रखिए। अब चलिए ओकार, चोर, लोटा, ढोल, कटोरा सब जगह देख रहे हैं। चौकार, लौकार, धौकार, टौकार, इससे संबंधित बुराई वाक्यों पर विचार कीजिए। सदा समय पर काम करो, पढ़ लिख कर गुणवान बनो, सबका हित सोचो तुम भाई, देश की खातिर जियो मरो। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं जितने भी ओकार शब्द हैं छायांकित हैं, आप लोग इसे ध्यान से देखिए और स्मरण रखिए, सब जगह इसका प्रयोग किया जाता है इसी तरह। अब चलिए अवकार, अवकार कैसे लिखेंगे बोर्ड पर देखिए, इन शब्दों पर विचार कीजिए। सौदा, दंत सौ अवकार, नौकर, नौ अवकार, धौलपुर, धौ अवकार, चौकीदार, चौ अवकार। अब इन वाक्यों पर विचार कीजिए। गौरव के मौसा दौलतपुर से आए थे, वे नौका पर चढ़कर धौलपुर जा उतरे, फौजी चौपाल पर गया, वह फौरन पकौड़े लाया, मौसा जी ने चौगुना खाया, चौबे जी चौपाई सुनाते रहे। यहाँ जितने भी वाक्य अभी मैंने पढ़ा है सब जगह, सब में जगह जगह अवकार मात्रा को दर्शाया गया है। इन छायांकित मात्रा पर विचार कीजिए और अवकार किस तरह लिखेंगे स्मरण कीजिए। चलिए आ से लेकर औ तक जितनी भी मात्राएं हैं हम लोगों ने विचार किया। आप लोगों को पहले ही मैंने बता दिया है कि अं और अह दोनों अयोगवाद, अंग से चंदन, रंजन, घंटाघर, मंगलवार, घ अनुस्वार, म अनुस्वार, च अनुस्वार, र अनुस्वार, देख रहे हैं किस तरह इसका प्रयोग करते हैं। अब थोड़ा इन वाक्यों पर विचार कीजिए। रंजना और अंजना बहने हैं, चंदन और मंगल उनके भाई हैं, चंदन चंचल है। इन वाक्यों में आप देख रहे हैं जहां जहां बिंदा दिया हुआ है ये सब के सब अनुस्वार कहलाते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग अह यानी विसर्ग पर विचार करें, विसर्ग पर विचार करें। देखिए इन शब्दों को, अतः तो विसर्ग, पुनः नो विसर्ग, सनय नो विसर्ग, फलतः तो विसर्ग। विसर्ग कैसे लिखा जाता है आप लोग बोर्ड पर भी देख लीजिए और किताब में तो है। अब इन वाक्यों पर विचार कीजिए। प्रातः सूरज निकलने से पहले उठो, किसी को दुख मत दो, नियमों का अक्षर सब पालन करो। इन वाक्यों में देख रहे हैं प्रातः तो विसर्ग, अक्षर सह तालब्य सो विसर्ग, दुख दर्शु का विसर्ग, तो ओ से लेकर अं अह जितनी भी मात्रा है इस मध्य में सबे सबको हम लोगों ने देख लिया है और विचार भी कर लिया है। इस पाठ से संबंधित जितने भी प्रश्नोत्तर हैं सबके सब बच्चों आप लोगों को ऑनलाइन भेजा जा रहा है, आप लोग इसे अच्छी तरह देख लेंगे और पुनः अपने से बनाएंगे, ठीक है।